हमारे इस चैनल नौटंकी तमाशा को लाल बटन दबाकर सब्सक्राइब करें व घंटी के निशान का बटन दबाएं ताकि सभी नए वीडियो आप तक तुरंत पहुंचे बिल्कुल मुफ्त। मेरे नौजवान साथियों, दादाजी, एक वो दिन था कि मैं खैरागढ़ रियासत का एक सेना नायक था, लेकिन मंत्री भवानी सिंह और महारानी चमेली के कारण हमें ये काली वर्दी धारण करना पड़ा। क्यों नहीं? और अपना नाम रणवीर प्रताप सिंह से बदलकर डाकू गंगा के नाम से मशहूर करना पड़ा। क्यों नहीं सरदार जी? मेरे नौजवान साथियों, सरदार जी, आज हम खैरागढ़ रियासत के हवेली चलेंगे। बहुत अच्छी बात। और हवेली को चारों तरफ से घेर लो, चारों तरफ घेरवा लो, और वहाँ मेरे बीबी बच्चे मौजूद हैं। महाराज के दोनों आंख फोड़कर जेल में डलवा दिया। आंख फोड़ दिया? हाँ, कहीं ऐसा ना हो कि मेरे बीबी बच्चे की जान भी ले सकता है, इसलिए तुम लोग तैयार हो जाओ। तैयार? और मैं इतना बदनसीब हूँ कि जब से मेरा बेटा अपनी माँ के कोख से जन्म लिया, आज तक अपने बेटे की शक्ल नहीं देखा। चलकर अपने बेटे से मुलाकात करूंगा और अपनी पत्नी सांवरी से मुलाकात करूंगा। तैयार हो जाओ। जय माँ भवानी की, जय माँ भवानी की। आज मैं तुम्हें कुछ तोहफा देना चाहता हूँ। कैसा तोहफा? और ऐसा तोहफा दूंगी। कौन सोफा दे हो? अबे तोहफा की बात कर रही हूँ। हम कहीं सोफा में बैठ जाए। मैं तुम्हें ऐसा तोहफा दूंगी, आज जिंदगी याद करोगी। लेकिन कौन सा ऐसा तोहफा है कि तुम हमें देना चाहती हो और मैं ता उम्र याद करूंगा? सुनो मेरी बात, जाहे शौकीन है वही मिली तुमका। क्या बे? वही बताओ जी, क्या बात है? सिपाही, कैद खाने जाओ और सांवरी को यहाँ लेकर आओ। बहुत अच्छा। लेकिन सांवरी को यहाँ? हाँ महारानी जी, ये सांवरी आ गई। मंत्री जी, यही है तुम्हारा तोहफा। सांवरी की इज्जत को लूट कर इसको बर्बाद कर दो हरामजादे, कहीं मुंह दिखाने के काबिल ना रह जाए। बस यही है तोहफा तुम्हारा। यानी इसी तोहफे के लिए तुम आज इतना परेशान हो कि मैं ता उम्र नहीं भूलूंगा। यही तरह के तोहफा तो तुम हेरा करा था। तुमका बस मशीन चाहिए हो का? अभी तक इधर हेरे हो, इधर पा रहे हो। बहुत अच्छी बात है मंत्री जी। तुम अपन मुंह काला कर। अरे इसका मुंह काला करना है? अब कहीं अपन मुंह काला। अब देख, मैं सांवरी के मुख को किस तरह में काली लगाता हूँ, ये कहीं मुंह दिखाने के काबिल नहीं रहेगी। आज मैं इसकी जवानी से खेलूंगा। तो मैं एक जवानी से खेलो, फिर हम तुम्हारे साथ। सांवरी देखो, अगर तुम प्यार से मेरा कहा मान लोगी तो समझ लो तुम्हें आजाद कर दूंगा, अन्यथा मैं तुम्हें बर्बाद कर दूंगा। कमीने भवानी सिंह, तेरा सपना कभी साकार नहीं होगा। तो इस कुतिया के कहने में तू भी आ गया। यह कुतिया नहीं है, यहाँ की महारानी है। ये महारानी नहीं है, ये कुतिया है हरामजादी। मैं कुतिया हूँ क्यों रे? और तू क्या है रे? तू तो कुतिया से भी बदतर है, बेशरम कहीं की। अरे एक नारी होकर एक नारी के ऊपर तरस खा, तुझे शर्म नहीं आती है ऐसा करते हुए बतनी जी? हराम जादी, न जाने किसके साथ ऐसे कर्म करी जो नाग को पैदा की थी, और अब मंत्री जी का कहना मान के इनके साथ ऐसा कर्म करके देख। कमीनी? और देख, कोई इंसान का जन्म होगा। अरे कमीनी, क्या बोल रही है? किसके किसके साथ अपना मुंह काला करके बैठी है? इसीलिए तेरे कोई औलाद नहीं हुआ, तू औलाद के लिए तरस रही बेशरम कहीं की।
एक अभी कच्ची उम्र थी इसलिए मैं लड़का पैदा ही नहीं कर रही थी। कमीने, तू परेशान मत हो, बच्चा पैदा करूंगी, जिस दिन पैदा करने लग जाऊँ उस दिन ढेर लगा दूंगी राजमहल का। मैं जानती हूँ कमीनी कुतिया कहीं की, ये तेरा भड़ुआ को भी जानती हो, तुझे भी अच्छी। महारानी जी क्या सुनवाती हो? ये भड़ुआ नहीं है, एक बार उसका कहना तो मानो। इनका लपेटे दियो नहीं घंटे न भाई, इनका मौसमों बनाओ। शावरी, अगर तू प्यार से नहीं मानती है तो देख भवानी प्रताप सिंह का कहर और किस तरह तेरे ऊपर टूटता है। भवानी सिंह, मैं तेरी जवानी से करीब नहीं आना। अगर तू अपने आप को बचाना चाहती है तो बचा ले। नहीं भवानी सिंह, भगवान के लिए ऐसा मत करो। कमीने दूर हट ओ पाजी मकार, पर ना इस बंदूक से कर दूं टुकड़े चार। हाँ, पर ना इस बंदूक से कर दूं टुकड़े। प्रताप सिंह, तो एक नारी पर जुल्म उठाता है, अगर भलाई चाहता है तो हाथ की हथकड़ी खोल दे। अरे तुम लोग हो कौन यार? एक बीघड़ का खूखार डाकू गंगा सिंह। ओए डाकू नंगा सिंह, गंगा सिंह सुनिए। गंगा सिंह, अरे गंगा भाई, ये महारानी चमेली की हवेली है, जो मर्जी सो करवाएगी तुम क्या करोगे? अरे ऐ चमेली, कान खोल कर सुन, डाल कर नाल इतना बारूद भर दूंगा कि देखने वालों के रूह कांप उठेंगे। और मैं कहती हूँ ज्यादा ऊंचे स्वर में मत बोलना, नहीं वरना सिपाहियों को बुलाकर क्या भी। अरे ओ सिपाही, चला देख तो इसके सिपाही को। हथकड़ी खोल, हथकड़ी नहीं खुलेगी, हथकड़ी नहीं खुलेगी यार, खुलेगी यार। हंटर लाओ, डाकू नंगा सिंह। आज तो आया था कुछ सोच कर, लेकिन आज तेरी जिंदगी बढ़ गई। आज तो मैं इसे लेकर जा रहा हूँ और दोबारा फिर आऊंगा तुम सबों की मौत। अब नहीं तुहार मुँह नोच ले, साले खोपड़ी जल्दी यहाँ से निकल लो। और आज तो जा रहा हूँ लेकिन दोबारा फिर आऊंगा तुम सब की मौत। कमीनी चमेली, मंत्री जी, महारानी जी, ये सब कुछ क्या हो रहा है? गंगा डाकू आया, तोड़ फोड़ मचा रखा पूरे दरबार के। महारानी जी, सारी गलती इसकी है। कौन गलती है? इसी हराम चादे की वजह से वो गंगा आया और हमारे अरमानों पे पानी फेर दिया। वो सारी को लेकर चला गया और सारा लूट पाट बचा दिया। तुम्हार वही तो अरमान फेल होगा तो सावरी के लगेगा तो वो वाला मकसद हो। सिपाही, मंत्री, सुनिए मेरी बात। तेरी बंदूक क्या हो गए तेरे? बंदूक तो ननियौरे में भूल गए। राम खो नरिहाल में बंदूक धर करके नौकरी दरबार के अंदर करते हो। यहाँ लड़ने आया बंदूक। मंत्री जी, असल में हमारे नाना छीमी वो है लील गाही उधरान होएगा मारे के लिए। लील गाही मारने के लिए है तुमको कि यार रक्षा करने के लिए यहाँ दिया दरबार का? सिपाही चलिए हम गंगा सिंह का पीछा करते हैं। गंगा सिंह का पीछा करो, कहीं मिल जाता गिरफ्तार करके लेकर और उनसे मिटा देते हैं। आ मेरे साथ। गंगा सिंह को गिरफ्तार करके आने दो, तब देखो मैं क्या करती हूँ। ऐसा जुल्मों सितम ढाऊंगी
कि हरामखोर, देखने वालों को रूह कांप देंगी। साथियों, ये तो अच्छा हुआ कि वक्त पर पहुंच गया, नहीं तो जान से खत्म कर देते। लेकिन आप कौन हैं जो इस वक्त पे आकर आपने मेरी रक्षा की? आप कौन हैं? सावरी, तुमने पहचाना नहीं? नहीं, मैंने नहीं पहचाना। आप कौन हैं? पहचानना चाहती हो? हाँ, पहचानना। कि मैं कौन हूँ? पहचानो कि मैं कौन हूँ। नहीं। ओ जी बाबूजी, बहुत गजब हो गया। क्या गजब हो गया? सैलानी जादूगर अपने बेटे श्याम कुमार को पकड़ कर ले गया। मेरे बेटे को बचा लो, नहीं वो कमीना मेरे बेटे को जीवित नहीं छोड़ेगा। मेरे बेटे को पकड़ कर बाबा सैलानी ले गया। वो किस तरफ लेकर गया है? वो जो हिमगिर पहाड़ी है, हिमगिर पहाड़ी की तरफ पकड़ कर ले गया। मेरे बेटे को बचा लो। बाबा सैलानी की क्या औकात है कि मेरे बेटे के ऊपर चुल्म ढाए? अगर मेरे बेटे के जिस्म में एक खरोच आया तो मैं बाबा सैलानी को दुनिया से मिटा दूंगा, उसकी जादूगरी को खत्म कर दूंगा। साथियों, चलो मेरे साथ। सावरी, मेरे आने का इंतजार करना, तुम्हारे बेटे को बाबा सैलानी के पंजे से छुड़ा कर लेकर आऊंगा। आओ मेरे साथ। जय मां। राजेश, अब तेरी जान मेरे मुट्ठी में है, अब तू जिंदा नहीं बच पाएगा मेरे हाथों। चोले नादान लड़के, भाई मेरी बात को सुन ले नादान लड़के। सुन ले नादान लड़के मेरी बात को, बीन बाजा तुझे अब बजाना पड़े। उनके आवाज नागिन भाई चली आएगी, आज ना दिन पर खुद को बुलाना पड़े। जादूगर लाख दिल उठाना पड़े, जादूगर बजाऊंगा मैं। मुश्किलें चाहे जितनी उठानी पड़े, अपनी नागन को अपना बुलाऊंगा मैं। मार ले बात को मेरे नागे, तू मान ले। पछताएगा मुफ्त में जान तेरी भाई चली जाएगी, अपनी माँ तू कब से तू ना मिल पाएगा। राजेश, अगर तू बीन नहीं बजाया तो साले मैं तेरा फन कुचल डालूंगा। नहीं जादूगर, मैं बीन हरगिज नहीं बजाऊंगा। अगर नहीं बजाया तो सोले मैं तेरा। बीन, बीन बजा। बोल बजाएगा या नहीं? बोल बजाएगा या नहीं? बीन नहीं बजाया तो मैं तेरा गला काट दूंगा। बीन बजा। कैसे बीन? ले लो।
अपना बजाएगा। बजा ओंकारनाथ जी गुरुदेव, होशियार है ना? होशियार है गुरुदेव। क्योंकि वो नागिन बिल्कुल करीब है जी गुरुदेव। उसकी खुशबू मेरे को मिल रही है, कहीं ऐसा ना हो कि ये नागिन आकर के हम लोगों पर झपोट न मार दे। क्यों नहीं गुरुदेव, होशियार रहना। होशियार है गुरुदेव। चल बजा दे। मुझे परेशान कर रहा है, आखिर तू क्या चाहता है? मैं तो वैसे ही मुसीबत की मारी हूँ, मेरे नागेश को छोड़ दो। अगर जान प्यारी है तो आप मेरी जान ले लो। नागिन, मेरी तेरे से कोई दुश्मनी नहीं है, कोई दुश्मनी नहीं है, सिर्फ मेरे को इसकी मड़ी और वो करामाती फूल मेरे को चाहिए है, जिसके लिए मैं बरसों तपस्या कर रहा हूँ, बरसों से मर रहा हूँ, तेरी वजह से आज तक मैं नाकाम होता रहा। काश मेरे को पहले मड़ी और करामाती फूल मिल जाते तो मैं कभी इस हिंदुस्तान की धरती पे नहीं आता, और तेरी वजह से मेरे को पुनः आना पड़ा। जादूगर, मैं एक बार नागेश को खो चुकी हूँ और मैं अब दोबारा खोना नहीं चाहती हूँ, तुम्हें मड़ी और फूल चाहिए? हाँ नागिन। ठीक है, जाओ वो देखो सरोवर में, वो जो फूल खिला हुआ है उसी फूल में मणि है, जाओ कूद कर ले लो। ए, मेरे को इतना भोला समझ रही है? यही बात तूने पहले भी कहा था, याद कर, मैं नहीं भूला, मेरे को याद है तूने कहा था कि सरोवर के अंदर जा और मड़ी और फूल को लेकर क्या, बट मैं जानता हूं अगर सरोवर में मैं कूद गया तो मेरा जिस्म पत्थर का हो जाएगा, इसलिए फूल और मड़ी को सिर्फ तू ला सकती है, और नहीं लाएगी तो मैं तेरे नागेश को मिटा दूंगा। नहीं जादूगर, मैं तुम्हारे हाथ जोड़ती हूँ, मेरे नागेश को कुछ मत कर। जाओ नागिन जाओ। ठीक है, यही तो नागेश तुम्हारा मारा जाएगा। जाओ। नहीं, मैं लाकर आती हूँ। जय भोलेनाथ, जय भोलेनाथ। आओ नागिन, आओ आओ, लेकर आओ मालिश को। जादूगर, नागिन तुम्हें मणि और फूल चाहिए, ले लो। अबे झोली उठा, अबे झोली उठा, ये कौन आ गया, झोली उठा। हमें लगता है गुरुदेव झोली
सरवन नदी में ठहर बैठी इतना नना दान बल ठहर बैठी इतना नादान बन फूल और मड़ी इसको देना नहीं गर्चे ये फूल और मड़ी पा जाएगा जीने देगा नहीं जीने देगा नहीं अरे कौन है तू हमें हमारी झोली फेंक दिया रे हमारी झोली फेंक दिया कौन है कैसे तू अबे यहाँ आ गया कौन है मैं कौन हूँ कौन है कैसे तू अबे यहाँ आ गया अब तू चिंता मत करके जा पाएगा झोली को अबे नष्ट जादू किया मेरी ताकत को ना नष्ट पर छुर्म कर रहा है छोली तुम्हें सिर्फ रास्ते से हटाया था और अब मैं तुझे मिटाऊंगा बच्चे हो तुम्हारे हिंदुस्तान की सरकार ने कोई ऐसी कारतूस नहीं बना रखी है जो कारतूस सैलानी जादूगर के जिगर को छल नहीं कर सके अब तू मरने के लिए तैयार हो जा ठहरिए दादाजी ये आपकी गोलियों से नहीं मरने वाला है तेरी गोली से मरूंगा मैं तेरी गोली से मरूंगा सोली नागिन ये फूल आप इसके सामने कीजिए ये अंधा हो जाएगा और मैं इसे डस लूंगी नागिन अब मैं तेरे को बाद में मारूंगा सोली नागिन मैं तेरे को पहले मारूंगा दादाजी मुझे दीजिए मैं तेरे को पहले मारूंगा तेरे को पहले मारूंगा दादाजी आपका ये एहसान मैं कभी नहीं भूलूंगी अगर आप इस जादूगर की झोली को नहीं फेंकते तो मैं बेबस हो जाती और ये मेरे नागेश को मार देता बेटी वो झोली तो सिर्फ रास्ते से बाहर हटाया था हमें ये नहीं मालूम था
किसकी झोली में ये शक्ति है, और मैं तो अपने बेटे की खुद तलाश में निकला था। क्या? और जब देखा कि ये जादूगर सता रहा है तो हमें इस तरफ आना पड़ा। क्या दादाजी, आप अपने बेटे के खोज में निकले थे? हाँ बेटी। आपका बेटा कहाँ है दादाजी? बेटी, आज तक बेटे की शक्ल नहीं देखा, बेटे को पहचानता नहीं हूँ। दादाजी, तो फिर आप जानेंगे कैसे? आप बेटी, मैं अपने बेटे की खोज में निकला हूँ, वो बाबा सैलानी के कब्जे में था। ओ दादाजी, अब मैं जानी कि आप अपने बेटे से मिलना चाहते हैं। हाँ बेटी। तो ठीक है दादाजी, आप मेरे साथ चलिए, आप तुम्हारे बेटे से मिलाती हूँ। ठीक है बेटी, चलो मैं चल रहा हूँ साथ। चलिए दादाजी। साथियों आओ मेरे साथ। दादाजी। बेटी, यही है आपके बेटे? क्या? हाँ। मेरा बेटा? हाँ दादाजी, मेरा बेटा। बेटी, ये तो मर चुका है। नहीं दादाजी। काश अगर ये खबर इसकी माँ सुनेगी तो तड़प उठेगी, वो बेटे के इंतजार में बैठी होगी। और मैंने वादा किया कि बेटे को साथ लेकर आऊंगा, अगर वो अपने बेटे को ना पाई तो आत्महत्या कर लेगी। नहीं दादाजी, आप घबराइए नहीं, ये मरे नहीं हैं, इन पर सैलानी जादूगर का असर है, जादू का। और आप इनकी माँ के पास ले चलो मुझे। ठीक है बेटी, मैं इन्हें वहीं पर होश में लाऊंगी। ठीक है बेटी, मैं अपने बेटे को इनकी माँ के पास लेकर चल रहा हूँ। चलिए दादाजी। साथियों मेरे बेटे को उठाओ, मेरे बेटे को उठाओ और चलो मेरे साथ आओ बेटी। चलिए दादाजी, आओ मेरे साथ। साथियों प्रिय, देख रही मेरा को अब आए प्राण आधार, कब से बैठी हूँ यहाँ करके आंखें चार। कब से बैठी हूँ यहाँ हो नात, ये कौन संग में हो लाए, कहो नात ये कौन संग में हो लाए, करा करके परिचय मुझे तुम दिखाओ। करा करके परिचय मुझे तुम दिखाओ, प्रिय सांवरी। और मनाओ खुशी घी के दीपक जलाओ, जलावो और तेरा लाल आया खुशी तुम मनावो। तेरा लाल आया खुशी तुम मनावो, ये अपना बेटा है। प्रणाम। कहनात मैं घी के दीपक जलाऊं, कहनात मैं घी के दीपक जलाऊं, पड़ा लाल मेरा मैं कैसे उठाऊं।
पड़ा लाल मेरा मैं कैसे उठाऊं। अरे कोई आकर तो मुझको बता दे इतना बता दे नहीं मार खंजर अदम को मैं जाऊं। नहीं मार खंजर अदम को मैं जाऊं। क्या नाथ, लेकिन मेरा बेटा बोलता क्यों नहीं? प्रिय, क्या हुआ मेरे बेटे? बेटा है, बेटी। क्या बात है दादाजी, घबराओ नहीं माँ। और नहीं देर पल की मैं माँ जी लगाऊं, नहीं देर पल की मैं माँ जी लगाऊं। और अभी अपने स्वामी को देखो जगाऊं। तुम क्या कर रही हो? मेरे हाथ में फूल ये है मायावी, और इसी को सुंघा कर मैं इनको उठाऊं, इन्हीं को सुंघा कर मैं इनको उठाऊं। जी आप घबराइए नहीं, इन पर सैलानी जादूगर का असर है। क्या? हाँ, और मैं इन्हें अभी होश में लाती हूँ। बेटी जल्दी होश में लाओ, नहीं इनकी माँ बेटे के गम में दम तोड़ देगी। नहीं दादाजी, बेटी आप लोग शांत रहिए, मैं इन्हें अभी ठीक कर देती हूँ। लेकिन बेटी तुम कौन हो जो इस मौके पे आकर तुमने मेरी बेटी की जान बचाई? माँ, ये वही लड़की है जिसको मैंने अपने ख्वाब में देखा था। क्या? हाँ माँ, ये वही लड़की है जो तेरे सपने में आई थी। जी माँ जी। बेटी, माँ इससे हमारा अगले जन्म का रिश्ता गए। हाँ माँ। बेटी क्या ये बात सच है, तू वही लड़की है जो मेरे बेटे के सपने में आई? हाँ माँ, ये बात सत्य है। मैं एक इच्छाधारी नागन हूँ, और श्याम हमारे पहले जन्म का पति है, और ये जादूगर के हाथों द्वारा मारे गए थे। मैं इनके इंतजार में जिंदा थी, आज ये इच्छाधारी नाग और हम नागिन हैं। ये तुम्हारा एहसान कभी नहीं? इसमें एहसान की क्या बात है माँ जी, इसमें एहसान क्या? एहसान तो
दादाजी ने किया है, जो वक्त पर इन्होंने साथ दिया पहुंचकर। अगर झोली नहीं फेंकते तो आज हमारे पति जीवित नहीं रहते। इन्हें सहरानी जादूगर खत्म कर देता माँ जी, और ना मैं जीवित रहती। माँ जी ये कौन है? बेटा ये तेरे पिताजी। आ बेटा, बेटा अपने पिताजी के से। बेटा पिताजी, बेटा आज तक तेरी शक्ल तक न देख सका, आज बेटे का दीदार हुआ। बेटी जी, दादाजी, बेटी तुमने मेरे साथ बहुत बड़ा एहसान किया। बेटी सामने आओ। बेटी जी, दादाजी, मैं कोई डाकू नहीं हूँ, बल्कि मैं इस खैरागढ़ रियासत का एक सेना नायक था। लेकिन आज मेरे दुश्मनों के कारण काली वर्दी पहनकर मैं जंगलों की खाक छान रहा हूँ। कौन है दुश्मन आपका दादाजी? बेटी खैरागढ़ रियासत के महाराज के दरबार का मंत्री भवानी सिंह और महारानी चमेली है। क्या दादाजी, मंत्री भवानी सिंह और महारानी चमेली? हाँ बेटी। दादाजी वही दोनों मेरे भी दुश्मन हैं, क्योंकि मेरे नागेश को जादूगर के हवाले उन्हीं दोनों ने किया था। बेटी वो तुम्हारे तुम्हारे दुश्मन हैं। हाँ दादाजी। बेटी मैं महाराज इस वक्त कैद में हैं, और मैं महाराज को छुड़ाने के लिए दरबार जा रहा हूँ। या तो मंत्री भवानी सिंह चमेली की मौत होगी, या महाराज की रिहाई के लिए मेरी मौत होगी। नहीं दादाजी, आपको कुछ नहीं होगा, आप चलिए, मैं आपके पीछे आ रही हूँ। ठीक है बेटी, मैं चल रहा हूँ। सावरी मैं राज दरबार जा रहा हूँ महाराज को छुड़ाने के लिए। क्यों ना हमें अपने प्राण की बाजी लगाना पड़े, लेकिन महाराज को कैसे छुड़ाऊंगा? नहीं दादाजी, आज उन कमीनों की मौत होगी, मैं उन्हें सजा दूंगी, मैं उन्हें जीवित नहीं छोड़ूंगी। आप चलिए, मैं आपके साये की तरह आपके साथ रहूंगी। ठीक है बेटी सावरी, चलो मैं सब लोग मेरे साथ आओ, मैं दरबार चल रहा हूँ। चलिए आओ बेटी।